मुंगेर की सीट, पूर्णिया की सीट पे ज्यादा मेरे वजह से टिकट मिला था, जो मैं स्वीकार करता हूं। दोनों ही उम्मीदवारों के पक्ष में मैं वकालत किया हूं आलाकमान के सामने, और जो परिणाम आया है उसमें प्रदेश अध्यक्ष जी की भी मैं तारीफ करता हूं कि उन्होंने भी मदद की। पिछले तीन लोकसभा चुनाव अगर मुंगेर का आप देख लीजिए तो कभी भी 2 लाख वोट क्रॉस नहीं किया था। हम लोग के सहयोगी दल के रूप में वहां चुनाव लड़ा था, और पिछला बार 2014 में 1,82,000, एक बार 1,65,75 के बीच में वोट था, और एक बार 1,90,000। इस बार वहां 3,61,000 वोट आया है। सामने देख रहे हैं, उनसे बात थोड़ी बदल रही है, कभी उनके तरफ भी देख लेते हैं, कभी आपके तरफ भी। पूर्णिया में 2014 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को केवल 75,000 वोट आए, और हम लोग जमानत बचाने में भी नाकामयाब है, वहां भी 3.5 लाख से ज्यादा वोट आया। तो जिस साथी को भी तकलीफ है पहले समझना चाहिए कि किस इस परिस्थिति में चुनाव भी हुआ है, और पूरे देश भर में न केवल हम लोगों की हार हुई बाकी सभी प्रमुख विपक्षी पार्टियों की हार हुई। हम लोग कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं, और पार्टी का पार्टी और लीडर को माँ बाप के जैसा समझते हैं। कभी किसी भी तरह का गलती हो सकती है मेरे लेवल पे, लेकिन कभी भी बेईमानी नहीं कर सकते, ऐसा हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। हम पे कभी कभी कुछ साथी ये भी आरोप लगाते हैं कि मैं मोतिहारी में ज्यादा रहा, मेरा बेटा हूँ।